नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे जीके में टॉपिक है समसामयिक घटना। जो फरवरी और मार्च की घटनाएं जितनी भी हैं, इसको मैं जो है अपलोड करना है वीडियो के माध्यम से। चलिए देखते हैं। इसे पहला क्वेश्चन है, 105वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर और कब किया गया? आंसर हो जाएगा मणिपुर विश्वविद्यालय इम्फाल, मणिपुर में 16 से 20 मार्च 2018 को। अगला देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 15 मार्च 2018 को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से क्या लॉन्च किए हैं? आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्य। लक्ष्य का क्या तात्पर्य है? प्रसूति गृह एवं ऑपरेशन कक्ष में देखभाल व गुणवत्ता लाना। अगला देखिए, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा यूरिया सब्सिडी योजना कब जारी किया गया? आंसर रहेगा 14 मार्च 2018 से। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तपेदिक मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कब की है? तपेदिक मुक्त, तपेदिक यानी टीबी को कहते हैं या क्षय को कहते हैं या याचमा को, सब एक ही नाम है। टीबी, क्षय, याचमा, तपेदिक, चारों एक ही नाम है। तो यहाँ पर तपेदिक शब्द का प्रयोग किया है, टीबी से तात्पर्य है कि शुरुआत कब की गई है? 13 मार्च 2018 को। यानी तपेदिक यानी टीबी को जड़ से समाप्त करने के लिए अभियान नरेंद्र मोदी ने कब शुरुआत की है? 13 मार्च 2018 को। अगला देखिए, मोदी सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव, मोदी सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? मोदी सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? आंसर हो जाएगा 16 मार्च 2018 को, 16 मार्च 2018 को। कांग्रेस की ओर से लेकिन हंगामे होने की वजह से सदन के पटल व सूचीबद्ध नहीं हो सका। अगला देखिए, छठा नंबर है, WHO एवं भारत के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए कब समझौते पर हस्ताक्षर हुए? आंसर हो जाएगा 13 मार्च 2018 को। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का पूरा नाम है, और इसके साथ भारत ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए जो समझौता किया है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कब किया है? 13 मार्च 2018 को। अगला देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन एवं अखिल भारतीय स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब और कहां से की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से, झुंझुनू राजस्थान से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब और कहां से की गई है अखिल भारतीय स्तर पर? 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से। अगला देखिए, इसमें है, भारत में 8 मार्च 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एशियाई शेरों की संख्या लगभग कितनी है? एशियाई शेरों की संख्या लगभग कितनी है? 600 से अधिक है। यानी केवल शेर जो है भारत में जो है, ये रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें दिखाया गया है कि 600 से अधिक शेरों की संख्या बस रह गई भारत में। अगला देखिए, किस देश के साथ संघ लोक सेवा आयोग ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस के लोक सेवा आयोग के साथ। कब किया है? 7 मार्च 2018 को,
7 मार्च 2018 को। अगला देखिए क्वेश्चन है इसमें, 14 मार्च 2018 को, 14 मार्च 2018 को किस देश की संसद ने स्कूल सुरक्षा विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है? स्कूल सुरक्षा विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है, आंसर हो जाएगा आपका USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्कूल में सुरक्षा के लिए विधेयक जो है स्वीकृत किया गया है, अमेरिका की संसद ने जो है स्वीकृत किया है 14 मार्च 2018 को। अगला देखिए इसमें क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, आंसर हो जाएगा 133वां स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 133वां स्थान। कितने देशों में, यानी 156 देशों में जो है भारत को 133वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान किसको है? फिनलैंड। द्वितीय नॉर्वे। तृतीय डेनमार्क। अगला देखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 12 मार्च 2018 को जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में किस देश को विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बताया गया है? भारत को, यानी भारत सबसे ज्यादा हथियार मंगाने वाला देश बन गया है, किसके अनुसार? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। अगला देखिए इसमें, 19 मार्च 2018 को संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन को पुनः राष्ट्रपति बनाया गया, वे कितनी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा 4 बार, यानी चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। कितने वोटों से? 76.76 मत से प्रतिशत। उनके विरुद्ध कौन खड़ा हुआ था? पावेल ग्रुदिनीन, जो 17.79% मत केवल पाया। अगला है, किस देश की संसद ने राष्ट्रपति के कार्यकाल की समय सीमा की समाप्ति की है? किस देश की संसद ने राष्ट्रपति के कार्यकाल की समय सीमा की समाप्ति की है? आंसर हो जाएगा चीन, 2 कार्यकाल के समय को, यानी जो है लगातार 2 बार जो है यहां पर राष्ट्रपति रह सकता है, इसके बाद नहीं, वही समय सीमा जो है चीन ने जो है समाप्त की है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बौद्ध एवं मुस्लिम समुदायों के बीच हुई झड़पों के बाद 6 मार्च 2018 को 10 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की थी? श्रीलंका, आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका में जो हाल ही में, यानी 6 मार्च को जो है बौद्ध और मुस्लिम समुदाय में कुछ बातों को लेकर या विवादों को लेकर झड़प हो गया था, तो जिससे वहां की सरकार ने जो आपातकाल की घोषणा की थी 10 दिनों के लिए, कौन सा देश था? श्रीलंका। अगला देखिए, फोर्ब्स ने जारी की विश्व के 100 अरबपतियों की सूची में कितने भारतीयों को स्थान दिया गया है? 4। फोर्ब्स पत्रिका ने जारी किया है जिसमें 100 अरबपतियों की जो सूची जारी की है लिस्ट, उसमें जो है भारत के कितने अरबपति हैं? 4 अरबपति को स्थान मिला है। पहले नंबर पर कौन है भारत के? मुकेश अंबानी, यानी भारत में पहले नंबर पर हैं ये सबसे अमीर, लेकिन विश्व लेवल यानी 100 जो अरबपतियों की सूची जारी हुआ है उसमें मुकेश अंबानी का 19वें स्थान है, $40 बिलियन इनके पास संपत्ति है। दूसरे नंबर पर अजीम प्रेम जी हैं, 98वें स्थान है 100 अरबपतियों की सूची में, $18.8 बिलियन इनके पास संपत्ति है। तीसरे नंबर पर है भारत के लक्ष्मी मित्तल, 62वें स्थान पर हैं 100 अरबपतियों की सूची में, $18.5 बिलियन इनके पास संपत्ति है। चौथे नंबर पर है शिव नादर, यानी भारत के चौथे नंबर पर, और 100 अरबपतियों की सूची में 98वें स्थान पर हैं, और इनकी संपत्ति है $14.6 बिलियन। अब देखिए, विश्व में प्रथम स्थान किसका है 100 अरबपतियों की सूची में? अमेजन के संस्थापक जोसेफ बेसोज को 2018 का प्रथम स्थान अरबपति की सूची में
प्राप्त हुआ है और इनका जो 112 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। अब देखिए अगला इसमें, भारत ने 11 मार्च 2018 को किस देश के साथ 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने 11 मार्च 2018 को किस देश के साथ 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किया? आंसर हो जाएगा फ्रांस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रॉन। उम्मीद करते हैं कि ये समसामयिक घटना जो फरवरी मार्च को अपलोड की है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी, समसामयिक जो फरवरी मार्च के हैं इसका बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, ताकि आपको जो एग्ज़ाम में सहायक हो सके या मदद मिल सके करेंट से लिए। धन्यवाद।